हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्विता किचन। मैं आज जो रेसिपी लेके आई हूँ वो आपके सामने है। आज मैं बनाने वाली हूँ बटर पनीर मसाला, और ये थोड़ा मैं अलग तरीके से बनाऊंगी और बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छा बन जाता है ये। तो चलिए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स और बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं बटर पनीर मसाला। बटर पनीर मसाला बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है, इसे ऐसे मोटे टुकड़ों में काट लिया है। यहाँ 3 टमाटर और 8-10 काजू डाल के मैंने ऐसे पेस्ट बना लिया है। यहाँ पे 3 प्याज को मैंने चॉप करके उसका पेस्ट बना लिया है। 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है। 50 ग्राम के लगभग है बटर, और यहाँ पे 3 बड़े चम्मच मलाई है, घर की फ्रेश मलाई है, आप बाहर का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ खड़े गरम मसाले लिए हैं, लौंग, इलायची, तेज पत्ता, दालचीनी के टुकड़े को मैंने ऐसे थोड़ा सा क्रश किया है। 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल है। पानी हम जरूरत के हिसाब से डालेंगे, जैसी ग्रेवी हमें पसंद हो। कस्तूरी मेथी है 1 चम्मच, 1 चम्मच किचन किंग मसाला नमक स्वाद के अनुसार, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया, 1 चम्मच गरम मसाला। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखिए, मैंने कढ़ाई रख के इसमें तेल डाल दिया है गरम होने के लिए। तेल हमारा गरम हो चुका है, तो हम इसमें अब ये खड़े मसाले डालेंगे। थोड़ा सा चलाएंगे, फिर इसमें हम अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे। ये डालने के बाद इसे हम थोड़ा भून लेंगे। 2 से 3 मिनट इसे भूनने के बाद, अदरक लहसुन को मैंने 2 से 3 मिनट भून लिया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे बटर, और ये देखिए बटर हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो अब हम इसमें ये प्याज का जो पेस्ट मैंने बनाया था उसको डालूंगी। प्याज का पेस्ट डाल के इसे अच्छे से मिला लेंगे। प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। और अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च और हल्दी। और अब इसमें डालेंगे गरम मसाला और धनिया, धनिया पाउडर और गरम मसाला। और 2 से 3 मिनट मैंने मसालों को भून लिया है। अब इसमें डालेंगे टमाटर और काजू का पेस्ट। इनको हमें अच्छे से भूनना है। और अब हम इसे 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे कवर कर देंगे। मिनट हो चुके हैं, तो चलिए खोल के देखते हैं। और ये देखिए, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, और मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। और अभी थोड़ा सा फ्लेम हाई करके इसे हम थोड़ा और भूनेंगे। और अब हम इसमें किचन किंग मसाला डालेंगे। इसको भी भून लेंगे। और ये देखिए, इसे मैंने अच्छे से भून लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे पानी। इसमें मैं 1 ग्लास के लगभग पानी डाल रही हूँ। और अब हम इसमें डालेंगे नमक, नमक अपने स्वाद के अनुसार।
अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे हाई फ्लेम पे 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि इस पे अच्छे से बॉईल आ जाए। पांच मिनट हो चुके हैं तो चलिए खोल के देखते हैं। और ये देखिए ग्रेवी में हमारे अच्छे से बॉईल आना शुरू हो गया है, बहुत अच्छे से ये पक रही है। तो अब हम इसमें डालेंगे पनीर। पनीर डालने के बाद फ्लेम को थोड़ा हाई करेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। पनीर डालने के बाद इसे हम 5 मिनट के लिए वापस फिर से ढक के रखेंगे हाई फ्लेम पे। पांच मिनट हो चुके हैं तो चलिए अभी देख लेते हैं। और ये देखिए ग्रेवी हमारी बिल्कुल अच्छे से पक गई है। तो अब हम इसमें डालेंगे कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी थोड़ा ऐसे हाथ पे क्रश करके डालेंगे और उसके बाद डालेंगे क्रीम और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और थोड़ी देर के लिए इसे हम स्लो फ्लेम पे फिर से कवर कर देंगे। लगभग 5 से 7 मिनट हो चुके हैं तो फिर अब हम गैस को बंद करते हैं और फटाफट से इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। और ये देखिए बटर पनीर मसाला हमारा बनके तैयार है, बहुत ही टेस्टी लगता है ये। इसको मैंने थोड़ा अलग तरीके से बनाया है जैसा मैं घर पे बनाती हूँ।